नमस्कार, मेरी नसाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ड्रिल शार्क और ड्रिल आर्बर। ठीक है, जो मेरा ड्रिल मशीन था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उसका जो शार्क था ना वो बबलिंग कर रहा था, और ये रहा ड्रिल आर्बर। इसका क्वालिटी अच्छा है और ये टेपर है। ठीक है, ये दोनों साइड से टेपर है। पहले वाला वन साइड टेपर था, वन साइड थ्रेडेड था, मतलब शार्क का जो साइड था उसमें थ्रेड था, और इसीलिए मैंने नया मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, और इसका कॉस्ट पड़ा मुझे 700 रुपीज़। अभी देखते हैं शार्क का क्वालिटी कैसा है, लेकिन ये बहुत भारी है। चलिए इसको खोल लेते हैं, और ये बहुत सारा ऑयल है यहाँ पर ताकि जंग ना लगे शार्क पर। और यह है इसका ड्रिल की, और इसका क्वालिटी अच्छा है और यूज़ करने में आसान है। ठीक है, ये जो फ्लैट साइड है एक साइड पर, उसमें आप आपका अंगूठा अच्छे से फंसा सकते हैं, उसका ग्रिप अच्छा है। और ये रहा ड्रिल शार्क, और ये बहुत ही भारी है। पहले तो ऐसा लगा था कि ये शायद 1 इंच का शार्क होगा, लेकिन ये 13 mm का शार्क ही है, लेकिन साइज़ में बड़ा है और क्वालिटी अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ अभी के लिए। बाद में क्या होता है वो देखा जाएगा। और ये टेपार शार्क है, और यहाँ पर नंबर वन क्वालिटी लिखा है, नंबर वन का पता नहीं लेकिन क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। और ये है इसका बॉक्स, और इसमें कुछ नहीं है, और इसका शार्क साइज़ है 1 to 13 mm। चलिए इसको फिट कर लेते हैं। तो आपको स्पिंडल में आर्बर को घुसा देना है, और उस पर थोड़ा ऐसे ऊंच से आप हैमरिंग करें, उसके बाद शार्क को आर्बर में ऐसे फिट करें। ये बहुत इजी है, मैंने वीडियो किया था लेकिन वीडियो डिलीट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी इसको चेक करेंगे। बहुत फिसलन हो रहा है, बहुत ऑयल है इसीलिए। चलिए इसको चेक करके देखते हैं इसका प्रॉब्लम ठीक हुआ है या नहीं। और ये है इसका की, मैंने जब बताया था ऐसे आप अपना थंब को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, अच्छे से शार्क को टाइट कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। अभी तो ठीक ही चल रहा है, बिल्कुल 0-0 ही है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत माइनर सा हिल रहा है, इतना चलता है कि इससे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो गया है। अभी इस लोहे पर हम सेट करके देखेंगे। अच्छे से ड्रिलिंग हो रहा है, बहुत अच्छा लगा इसको देख के, क्योंकि जब मैंने मशीन खरीदा था नया नया ही है, उसमें ही इसका आर्बर में प्रॉब्लम था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। अभी मैंने 700 रुपया खर्च करके फिर इसको मंगवाया है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।